नमस्कार दोस्तों, सुपर एलेक्स कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी अच्छे होंगे, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको नए नए टेस्टिमोनियल बताए, हर एक डिजीज के बारे में बताए। लास्ट वीडियो हमने कैंसर के बारे में बताई थी, नीचे की वो आपने देखी होगी किस टाइप से हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, उस पेशेंट को हमने क्या क्या थेरेपी दी और उन्होंने 2 साल में कैसे किस टाइप से रिजल्ट किया। दोस्तों, हर बार मैं आपके लिए एक यूनिक वीडियो लेकर आता हूँ और यूनिक रिजल्ट के बारे में बताता हूँ कि कैसे आप सभी दवाइयों को अपनी छोड़ सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी है वो आप जी सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप दवाई लें, नहीं हमारी लें और नहीं, आपको एक अच्छी दिनचर्या और एक अच्छी मेंटेनेंस के साथ आप जिए तो हो सकता है आप जो भी दवाई ले रहे हैं वो आपकी बंद हो जाए और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकें। दोस्तों, हो सकता है आप हमारी खुद की भी मेडिसिन लेते हैं, आप कहते हैं सर वो मेडिसिन है नहीं, वो पहली बात वो दवाई नहीं ले रहे, आप खान पान ले रहे हैं। सुबह आप उठ के एलोवेरा जूस ले लिया, वीट ग्रास ले लिया, सुपर वेरी ले लिया, वो आपके एक खान पान का हिस्सा है। आप कोई केमिकल नहीं ले रहे, आप कोई एक जहर नहीं ले रहे। आज हम कुछ पेशेंट्स के बारे में बताएंगे आपको, जिनकी डिजीज के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपने हमेशा एक लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में सुना होगा कि सर लाइफ स्टाइल डिजीज ये होती है अपनी दिनचर्या से के कारण। जैसे इसमें मेन जो डिजीज आती है वो शुगर होगी, बीपी होगी, थायराइड होगी। ये तीनों डिजीज अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल इफेक्ट करती हैं। अगर कोई पेशेंट अपने पास आता है और ये बताता है कि सर मेरे को तो बीपी रहनी स्टार्ट हो गई, जब भी वो किसी भी एक मेडिसिन डॉक्टर के पास जाता है तो वो हमेशा उसको ये कहते हैं तुझे इसकी एक मेडिसिन है वो हमेशा लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, जिससे आपका खून पतला होगा, आपकी बीपी हमेशा मेंटेन आएगी। उसको दिनचर्या एक ऐसी बना देते हैं, सुबह शाम रात उसको वो दवाई खानी पड़ती है, कोई सुबह लेता है कोई शाम को लेता है। सेम कहानी शुगर के पेशेंट्स की है। शुगर के पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है कि नहीं 140 हो गई, 150 हो गई शुगर का लेवल हो गया, अब तो तुझे मेडिसिन खानी पड़ेगी, उसको सुबह शाम वही मेडिसिन, कुछ दिनों तक कुछ महीनों तक वो मेडिसिन चलती रहती है, उसके बाद उसको इंसुलिन देना स्टार्ट कर देते हैं और यही दिनचर्या उसकी चलती रहती है। उसके बाद में यही सेम कहानी थायराइड की होती है, उसको थायरोक्सिन स्टार्ट कर दी जाती है कि आपको थायरोक्सिन लेनी पड़ेगी अगर आपको जिंदा रहना। दोस्तों, हमने पहले भी यही कहा है कि आप ये सब मेडिसिन छोड़ सकते हैं, बस आपको एक ही काम करना पड़ेगा, अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी पड़ेगी। हम यहाँ कोई जादू नहीं करते, कोई टोना नहीं करते कि जिससे आपकी शुगर ठीक हो जाए, जिससे आपकी बीपी ठीक हो जाए, जिससे आपकी थायराइड ठीक हो जाए, नहीं। हम सिर्फ आपको 10-20% आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आप ये चीज ले सकते हैं और इससे ये चीजें ठीक कर सकते हैं। हो सकता है आप अगर पहले दिन आप डायबिटीज की जो मेडिसिन पिछले 3 साल से 2 साल से 5 साल से जो खा रहे थे वो खानी आप अचानक बंद कर देंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल रहे, बस बढ़े नहीं, स्टार्टिंग के 15-20 दिन ऐसा होगा, लेकिन उसके बाद धीरे 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 वो कम होनी स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे ही आज मैं कुछ पेशेंट से आपको मिलाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिलाने वाला हूँ रश्मि जी से। तो रश्मि सोनी जी जब हमारे पास आए थे 2 साल 2023 को, जब ये स्टार्टिंग में आए थे तो इन्होंने मुझे जो कंप्लेन बताई थी कि सर घुटनों के डॉक्टर के पास हम गए थे, उन्होंने कहा कि आपके तो गैप बहुत ज्यादा है तो आपको तो इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो हम उस सिलसिले में आपके पास आए हैं। तो जब हम अंता गए मीटिंग में तो इन्होंने हमसे मुलाकात की और डॉक्टर संदीप सर भी थे, हम भी थे, और तो देखा तो उस टाइम भी कहा कि नहीं ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़े, आयुर्वेद में बहुत अच्छी थेरेपी होती है जिसको हम जानू बस्ती बोलते हैं, हम डेली आपको वो करेंगे, लास्ट में हम आपको कपिंग थेरेपी देंगे जिससे आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा और यही सेम प्रोसेस आप 2-3 महीने तक अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको ऑपरेशन की घुटनों के ऑपरेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके बाद इन्होंने बैक पेन का भी इशू था कि सर बार बार कमर में दर्द रहता है, मेन इशू जो था वो डायबिटीज का भी था, पेशेंट डायबिटिक भी थे और उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल भी कुछ डिसऑर्डर आए हुए थे, उसके अलावा इंसोमेनिया भी था, नींद आने में भी थोड़ी मोटी प्रॉब्लम होती थी रात। तो ये सब प्रोसेस है, ये सब जो इनकी मुख्य जो वेदना मान लो या चीफ कॉम्प्लेन मान लो ये जो इन्होंने बताई थी। उसके बाद में जो हमने ट्रीटमेंट जो इनको दिया वो उद्वर्तन, स्वेदन, बस्ती, जानू बस्ती, फिजियोथेरेपी, ये सब ट्रीटमेंट हमने दिया। बाकी साथ में डायबिटीज के लिए भी ट्रीटमेंट चल रहा है इनका साथ साथ। उससे पहले ये डायबिटीज की मेडिसिन लेते थे तो अभी मैं आपको पेशेंट से मिलवाता हूँ और उन्हीं से पूछते हैं कि उनको ये सब चीज़ें करके यहाँ के रहन सहन में क्या चीज़ें की, थेरेपी में क्या किया, ये सब चीज़ें हम उनसे पूछेंगे। नमस्ते मैम, कैसे हैं अभी आप? अभी आप आए थे उस दिन आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी सबसे पहले तो वो बताएं। उस समय तो मेरे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मतलब चला नहीं जाता था, सीढ़ी पकड़ के ऐसे चलते थे, दर्द बहुत ज्यादा था, मतलब ये पैर इससे दीवार पकड़ पकड़ के चलना, दीवार पकड़ पकड़ के चलना, कमर में होने लग गया, कमर में दर्द होना स्टार्ट हो गया था। तो ये सब चीजें आपको थी। अभी कुछ क्या होता है, जैसे आज सुबह की मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ कि मैडम है इनको पैर में इतना दर्द था पिछले 5-7 साल से, जब सुबह हम ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे तो इनको आदत पड़ गई 5-7 साल से उस दर्द को सहने की, पैर सीधा करके भी नीचे पा रहे थे, सर भी सुबह साथ थे, फिर हमने थोड़ी देर चलाने की कोशिश की बिल्कुल सीधे चले, लेकिन 5-7 कदम चले उसके बाद में फिर वही, क्योंकि देखो दर्द इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि पेशेंट को डर लगने लग जाता है कि नहीं मैं मेरी मूल अवस्था में चलूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा। शुगर भी थी साथ में आपको, तो अभी डायबिटीज की मेडिसिन आप ले रहे हैं? कितने दिन हो गए? 7-8 दिन हो गए।
आए थे उस दिन शुगर कितनी थी लगभग? और बस मीठा बंद करने के लिए बोला है, दूध बंद करने, तली वाली चीजें बंद करने के लिए बोला है। वो चीजें बंद करने से आप ठीक हो रहे हैं? ठीक हो रहे हैं ना, तो वो चीज नहीं खाएंगे अब? पक्का? तो देख लो आप, कभी कभी तो खाऊंगी, कभी कभी खाएंगे। ये चीजें बंद करने के बाद ये ठीक हो रहे हैं? हमने कुछ भी नहीं किया, आप देख रहे हैं, ट्रीटमेंट हमने दिया। ऐसा पहले सलाद लेना है वरना? हाँ, खाने से पहले पहले सलाद लेना है। आप नीचे अगर इसके बारे में, अगर डायबिटीज के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं कि अगर क्या डाइट हम दे सकते हैं, तो आप पूछ भी सकते हैं, तो हम आपको डाइट भी बता देंगे। तो ये सब चीजें आपके पास थी, तो अभी आप खुश हैं ट्रीटमेंट से? एकदम बिल्कुल बढ़िया। तो मैम ट्रीटमेंट तो मैम करवाने आई थी, मैम के साथ सर भी थे, तो हम उनसे भी आपकी मुलाकात करेंगे अभी। तो सर से भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, और ट्रीटमेंट मैम तो करवाने मैडम आए थे, लेकिन सर सोचे कि जब मैडम का साथ भी नहीं रुकेगी तो मैं भी ट्रीटमेंट करवा लेता हूँ। और सर ने भी चौंकाने वाले रिजल्ट लिए, ऐसा नहीं कि जो रिजल्ट है वो सिर्फ मैडम मैडम ने लिए। सर यहाँ आए तो हाइपर टेंशन, बीपी के कितने साल से पेशेंट थे? पांच साल से बीपी ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए, 11 साल हो गए शायद। ऑपरेशन 11 साल से बीपी की रेगुलर मेडिसिन ले रहे, रेगुलर एक दिन भी नहीं छोड़ते सर। हाँ, यहाँ आने के बाद मैंने 5 दिन हो गए, एक दिन भी खत्म होते रात में मंगानी पड़ती 11-12 बजे। जब नहीं खाते थे तो रात को 11 बजे बंद कर दिया उसको। जब मेडिसिन नहीं खाते थे तो लगभग 11 बजे आपको रात को लानी पड़ती, जब भी याद आते थे। पिछले कितने दिन से नहीं खाई? 7 दिन हो गए। आज सुबह आपकी बीपी कितनी थी? 127 नहीं, आपसे 127 तो अभी शाम होती, सुबह कल सुबह नॉर्मली आई थी, लो भी तो आई थी 70-110। आप देख रहे हैं मेडिसिन नहीं लेने के बाद भी बीपी लो गिर चलेगी, टेंशन में आ गए, बोले ये क्या हो गया, मैं मेडिसिन भी नहीं ले रहा, बीपी 110/70, ये जादू हो गया। अभी शाम को आपने चेक की तो इनकी 120/80, मतलब बिल्कुल नॉर्मल, और 6-7 दिन से कोई भी मेडिसिन नहीं। लेकिन सर कह रहे थे, बोले मैं पहले नमक थोड़ा सा ज्यादा लेता था, अभी मैंने नमक कम कर दिया। तो जब नमक कम करने से बीपी ठीक हो रही तो आप मेडिसिन क्यों ले रहे? तो ये सवाल अगर आप बीपी के बारे में मेरा देख रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपके जहन में जरूर आया होगा कि हम नमक उतना ही खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, फिर भी हमारे को मेडिसिन लेनी पड़ रही है। तो दोस्तों वही आप लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, वेट लॉस कितना हुआ अभी आपका? 2.5 किलो वेट लॉस हो गया। वेट लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं था इसमें, चल के हम सर का कोई वेट लॉस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नहीं उसका ट्रीटमेंट हमने कुछ भी नहीं दिया। उद्वर्तन साथ साथ किया था, तो ये उद्वर्तन का रिजल्ट आता है, तो उद्वर्तन का आप रिजल्ट देख रहे हैं कि 2.5 से 3-4 किलो वेट कम हो जाता है 6 से 7 दिन में। उसके अलावा आपको अस्थमा भी थी, अस्थमा भी आप पंप लेते थे? नहीं ले रहे अभी, नहीं ले रहे 6-7 दिन से आप पंप भी नहीं ले रहे। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, अभी वो भी नहीं आ रहा। पहले जब अस्थमा के पेशेंट थे तो जब सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो सांस जो भरती थी, सांस फूलना, जिसको सीढ़ी चढ़ने के बाद पंप लेना ही पड़ता था, सीढ़ी चढ़ने के बाद हमेशा पंप, अभी नहीं ले रहा बिल्कुल, 6 दिन ठीक है। तो ये वाली दो चीजें जो सर ने बताई थी, इसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम बताई थी, वो सर को मैंने बताया था कि ये मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे, तो वो सब चीजें मेडिसिन से होगी। मेन थेरेपी की दो ही चीज थी अपनी, है क्या क्या? अस्थमा और पेट का और हाइपरटेंशन का, ये तीनों चीज थी, और तीनों चीजों का रिजल्ट आप अपने सामने देख रहे हैं। तो दोस्तों यही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी आप बीमारी है उसको लाइलाज न बनाए, और उसका अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ आप खुद उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप उसकी डाइट प्लान बदल के, आप उसकी थेरेपी में इंक्लूड करके। नहीं तो आप कितनी मेडिसिन खाते थे पहले? शुगर की, बीपी की, अस्थमा की, और चीजें खा ले, नहीं वो भूल जाते हैं, लेकिन शाम को बीपी की टेबलेट जरूर याद करके लेनी है, शुगर की बिल्कुल याद करके लेनी है, मैडम को फिर सर को वापस यूरिक एसिड की लेनी है, मैडम को थायराइड की लेनी, ये सारा ट्रीटमेंट याद रहता है। कम से कम 8 से 10 गोली दोनों मिलकर खाते ही हैं, नहीं सुबह 6 बजे से शुरू हो जाती है, रात तक चलती है, अभी ये टेबलेट खाएं, अभी ये टेबलेट है, अब बिल्कुल टेबलेट फ्री कर दिए ना।
अब सिर्फ और सिर्फ सुबह सलाद खाना है दोनों को एक ही प्लेट में बैठ के। नहीं वो बहुत अच्छी बात है, दवाई खाएंगे उसकी बजाय वो खाएंगे, वो खाएंगे ना, उसमें फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल खानी है, यही चीजें खानी और अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार करना। तो जैसा कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया, आपने भी इंजॉय करके देखा होगा, बहुत खूबसूरत फैमिली है जो हंसी मजाक में हमको भी नहीं पता चला कि 6-7 दिन ये कैसे रहे, तो हमारा को बहुत अच्छा मन लगा। तो आप देख रहे होंगे एक लाइफ स्टाइल अपनी चेंज करते करते खुशी खुशी जाए, ऐसा थोड़ा लग रहा था हॉस्पिटल में, नहीं नहीं बहुत अच्छा लगा, हमें तो ऐसा लगा अंदर में रह रहे हैं, हम भी पोल्ट्री कर जैसा लग रहा है ना, ऐसा नहीं लगा मैं एडमिट होने आए कुछ। हां यही एक हॉस्पिटल की खूबसूरती है, अपने वाइट लेग्स की खूबसूरती है कि आपको यहां ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा आप किसी हॉस्पिटल में, आपको ऐसा लगता है आप अपने घर पे, और वही लाइफ स्टाइल आपको सुधारी जाती है, वही चीजें आपको ठीक करती है। तो अगर आपका जो वीडियो है वो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा तो आप बिल्कुल इसको शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंस्टा बहुत अच्छा है, इंस्टा बहुत अच्छा है जी, नहीं दोनों अच्छे हैं, डाटा तो अच्छे ही से प्रिंसिपल नहीं, आप नहीं उसने बहुत साथ दिया है, प्रियंका ने, प्रियंका ने बहुत साथ दिया, तो हमारे जो थेरेपिस्ट हैं प्रियंका हैं, संतोष है, पुष्पवंदन है, तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बाकी मैं तो खुद तो बहुत अच्छा हूँ ही। तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो इसकी डिटेल आप सभी को बता सकते हैं, सबके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए रिजल्ट के साथ फिर मिलूंगा। आज की वीडियो में मैंने बहुत सारा आपको लाइफ स्टाइल डिजीज सब बता दी, क्योंकि शुगर और थायराइड दोनों मैडम लेके आए हुए थे, बीपी सर लेके आए हुए थे, मैडम को बीपी नहीं थी तो बीपी की सारी बीमारी इन्होंने सर को दे दी, टेंशन दे देके, तो हमने वो भी इनकी बिल्कुल ठीक करवा दी है। तो यही चीजें हैं, यही मेडिसिन है, आगे हम इनके विषय में बिल्कुल चर्चाएं करेंगे, नए जो भी पेशेंट आएंगे मैं उनको आपसे मिलवाता रहूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सुपर एलेक्स।